हरियाणा के घरोड़ा में बसी अकबरपुर सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ फैक्ट्री पर छापेमारी की और नकली मिठाइयों का जखीरा बरामद किया। आपको बता दें कि फैक्ट्री के अंदर फूड सेफ्टी टीम की बड़ी भारी अनियमितताएं जो है देखने को मिली है। रसगुल्लों के टपों में रसगुल्लों से ज्यादा तो मक्खियां भरी हुई थी और अस्वच्छता का माहौल पाया गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत रसगुल्लों के टपों को नष्ट करवा दिया है और इसके साथ ही मिठाई के सैंपल भी लिए गए हैं। अधिकारियों की माने तो इन सैंपलों को लैब में भेजा जाएगा, यदि सैंपल फेल आते हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं और काफ़ी टब्स रसगुल्ले के मुझे आज भी दिखाई दिए, पिछली बार भी दिखाई दिए और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट थी? कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है इसमें मक्खियाँ हैं, ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियाँ हैं वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय करा दिया। तो पिछली बार भी जो है ऐसी यहाँ पर मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद जो है सैंपल फेल आए थे। हाँ हाँ, इसके ऊपर उस पर भी केस चल रहे हैं और सजा के लिए उसमें इसको सजा मिलेगी, उस सजा का प्रावधान है उसमें और उस पर उसके केस इस पर चल रहे हैं और अगर ये सैंपल भी फेल आते हैं फिर से केस चले। तो आज कितने सैंपल लिए आपने? अभी जो रसगुल्ला बना रहे हैं रसगुल्ले का सैंपल लिया और रसगुल्ले में जो मक्खियाँ मिल रही हैं वो सारे के सारे रसगुल्ले हम डिस्ट्रॉय करते हैं। गोदाम वगैरह पर भी छापेमारी की? अभी जाएंगे, अभी देखते हैं, अभी यहाँ की कार्रवाई इतनी हुई है। त्यौहार का सीजन है, बड़े स्तर पर मिठाइयाँ बनती है, कि और भी विभाग इस तरह की कार्रवाई करेगा? चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है और इस तरह से हमने असंध में भी सैंपल लिए हैं, इस तरह से हमने त्रावड़ी में भी सैंपल लिए हैं, इस तरह से हमने नीलोखेड़ी में भी छापामारी करी है, जूंडला में छापामारी करी है और